दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिटिंग पैंट की कटिंग। तो दोस्तों फिटिंग पैंट कटिंग करने से पहले उसकी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उसका मेजरमेंट लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये पैंट है वो 34.5 इंची की है दोस्तों, कमर की। तो मैं इसकी सबसे पहले लंबाई लिख देता हूँ। तो दोस्तों उसकी लंबाई है वो 37 इंची है, यानी कि 37 इंची लंबाई है दोस्तों। और उसकी कमर है वो 34.5 है दोस्तों, यानी कि 34.5 इंची है। और उसकी हिप है, और दोस्तों उसकी हिप है वो 38 इंची है, यानी कि 38 इंच है। और दोस्तों उसकी जांग है वो है 23 इंची, उसकी जांग है दोस्तों, 23 जांग है, उसको थाई भी बोलते हैं। और दोस्तों 17 इंची उसका घुटना है दोस्तों, और 14 इंची उसकी मोरी है, यानी कि बॉटम है दोस्तों। तो इस नाप से मैं आपको फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताऊंगा, जो बिना प्लेट की पैंट की कटिंग है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कपड़े को हमें उल्टा करके बिछा लेना है, किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है दोस्तों। अच्छे से बिछा लेना होगा, प्रेस भी कर लेना होगा अच्छे से। और इसके बाद में दोस्तों हम एल स्केल से यहाँ पर एक सीधा मार्का करेंगे इस साइड में, और एक निशान दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसकी लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों इसकी लंबाई है वो 37 इंची है, यानी कि 37 इंची है। तो दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो ज़्यादातर लोग 1 इंची का निकालते हैं, 1 इंची का भी ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको 1 इंची नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा आधा इंची, क्योंकि हम जब पैंट की सिलाई करते हैं ना तो आधा इंची कम पड़ जाती है। तो दोस्तों मैं इसको आधा इंची रखूंगा। तो दोस्तों इंची टेप को आधा इंची ऊपर निकाल के, यानी कि 1/2 इंची ऊपर निकाल के, और 37 इसकी लंबाई है ना, तो दोस्तों मैं 37 यहाँ पर लंबाई कर देता हूँ। और नीचे यदि आप तुरपाई करते हैं तो 3 इंची रख लेना, और यदि आप सिलाई रखते हो तो 1.5 या 2 इंची रख लेना। तो दोस्तों मैं इसमें 2.5 इंच लगा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप 2.5 इंची पर निशान लगा लेना। और इसके बाद में दोस्तों हम इसकी लटक रखेंगे। तो लटक दोस्तों हिप के अनुसार रखेंगे। तो दोस्तों इसकी हिप है वो 38 इंची है, इसकी हिप कितनी है दोस्तों, 38 इंची है। तो आपको क्या करना होगा, लटक रखने के लिए इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों 38 में हम 4 का भाग लगाएंगे, तो दोस्तों कितना आएगा बताओ आप लोग। तो दोस्तों 38 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 9.5 इंची आएगा दोस्तों। तो 9.5 इस तरीके से निशान लगा लेना है, और एक निशान दोस्तों आगे भी लगा लेना है इस तरीके से। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम इन मार्कों को मिला लेंगे। तो मिलाएंगे कैसे दोस्तों, एल स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में हम नीचे भी हम निशान लगा लेंगे। नीचे निशान कैसे लगाएंगे, एल स्केल से इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा देंगे। और दोस्तों एक नीचे की साइड में भी हम एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमने मार्क लगा लिया है, और अब लगाएंगे घुटने का मार्का। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि घुटने का मार्का कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों घुटने का मार्का हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। कितने तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों घुटने का मार्का, दोस्तों हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, तो पहले तरीका दोस्तों ये है कि हमारी जितनी लेंथ है ना पैंट की, दोस्तों हमारी पैंट की ये लेंथ आ रही है यहाँ से 36.5 इंची आ रही है ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ से इंची टेप को आधा कर लेना होगा इस तरीके से, इस तरीके से आधा कर लेंगे ठीक। और इसके बाद में हम यहाँ से 1.5 इंची नीचे निशान लगा देंगे। दोस्तों चाहे पैंट कैसी भी हो, सादा हो या फिटिंग हो, आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, फार्मूला है ये दोस्तों घुटने निकालने का। और दूसरा तरीका कौन सा है दोस्तों, इसको हम भूल जाते हैं, इसको भी हम भूल जाते हैं ठीक है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों घुटना निकालने का, दूसरा तरीका कौन सा है तो मैं बताता हूँ आपको कैसा है, कौन सा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे,
और इंच टेप को रखने के बाद में ये हमारा निशान है। तो दोस्तों यहाँ से भी हम इंची टेप को इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें 3 इंची ऊपर ले लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा दोनों तरीके बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों हमें ये हमारा घुटने का मार्का है, तो इसको यहाँ से सीधा कर देना है, इस तरीके से सीधा निकाल कर देना है। ये हमारा किसका मार्का है दोस्तों? ये हमारा घुटने का मार्का है। और दोस्तों इसके बाद में क्या करना होगा? थाई का मार्का करना होगा। तो दोस्तों 2 इंची नीचे हम एक थाई का मार्का करेंगे। कितना इंची नीचे करेंगे दोस्तों? 2 इंची करेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक। और दोस्तों अब हम इसका बीच का सेंटर निकालते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हो बीच का सेंटर किस तरीके से निकालते हैं? यदि नहीं निकालना आता है तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से निकालते हैं बीच का सेंटर। तो दोस्तों बीच का सेंटर हम निकालेंगे थाई के हिसाब से। किसके हिसाब से? थाई के हिसाब से। तो दोस्तों इसकी थाई बेंड कितनी है? तो दोस्तों इसकी थाई है 23, यानी कि 23 इंची। तो दोस्तों 23 इंची में हम 1 इंची माइनस कर लेंगे। 1 इंची माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये फिटिंग पैंट है, इसमें हमें बाद में लूजिंग भी देंगे। तो फ्रंट पार्ट को दोस्तों हम इसमें 1 इंची कम कटिंग करेंगे, तो हमारी फिटिंग है वो सही तरीके से बैठेगी। फिटिंग सही तरीके से कैसे बैठेगी दोस्तों? जो हमारी जांग है उसमें 1 इंची कम करेंगे तो हमारी फिटिंग अच्छी से बैठेगी। तो दोस्तों इसकी जांग कितनी है? 23 इंची है। तो 23 में हम 1 इंची कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 22 इंची। तो दोस्तों यहाँ पर कितना लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे 22 का आधा। 22 का आधा कितना होता है दोस्तों? 11 इंची। कितना? 11 इंची, इस तरीके से, ठीक। और इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों? इसके बाद में यहाँ से इसको इंची टेप को मोड़ लेंगे। कितना मोड़ेंगे? आधा मोड़ेंगे, इस तरीके से। ये आ गया हमारा बीच का सेंटर। बीच का सेंटर कौन सा आ गया दोस्तों? ये हमारा बीच का सेंटर आ गया। और यहाँ से इसको देखेंगे तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5.5। तो दोस्तों 5.5 हमें यहाँ रख लेना है, और 5.5 हमें यहाँ रख लेना है, और 5.5 इंची दोस्तों हमें यहाँ रख लेना है, और दोस्तों 5.5 इंची हमें यहाँ रख लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद में क्या करना होगा? इन बीच सेंटर को मिला लेना होगा। तो दोस्तों मिलाएंगे कैसे? हम एल स्केल से मिलाएंगे इन मार्कों को दोस्तों, एल स्केल से मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये बेसिक तैयार हो रहा है, बेसिक तैयार कर रहे हैं इसका हम। और इसके बाद में क्या करेंगे? इसकी ये